हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। यहाँ की रीडिंग है दोस्तों, क्या आपके पार्टनर लौटकर आपके पास आएंगे, यानी आप जिनसे प्यार करते हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, आप दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं अपने पर्सन से, तो क्या वो आपके पास वापस लौट कर आएंगे। यही रीडिंग पर आधारित है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे रहेंगे, दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग की। आपके पर्सन, आपके प्रेमी, लवर, स्पाउस आपके पास लौट कर आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 फाइनल रखे हुए हैं। यहाँ पे ये चित्र, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे क्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले कार्ड जो दिया गया है, यहाँ पर एक लड़की है, वो पेड़ को पकड़ के एकदम प्यार से, स्नेह से उसको रखी है, यानी उसको अपने प्रकृति से प्यार है, उसको अपने नेचर से प्यार है। ठीक उसी प्रकार आपके पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने चुना था, उनके लिए ये है कि आप दोनों दिल से जुड़े हुए हैं, प्यार से जुड़े हुए हैं, स्नेह से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, बल्कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आपके पास ही लौट कर आएंगे। क्योंकि देख रहे हैं, फिगर ही आप देख लीजिए, एक पेड़ है, उसको एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जो उसको प्यार से पकड़ कर रखी है, ठीक उसी प्रकार आपके पर्सन भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको इतने ही प्यार से पकड़ कर ज़िंदगी भर रखेंगे। और जो भी गलतियां हैं, एक दूसरे की गलतियां जो हैं वो माफ़ करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे, यानी आपके पर्सन आपके पास बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि आपके प्यार पर, आपके स्नेह पर उनको ट्रस्ट है, विश्वास है। भले भी कैसी भी परिस्थितियां हों, ख़राब हो, अच्छी हों, जैसी भी परिस्थितियां हों, उसको झेलकर आप दोनों एक दूसरे के पास ही आने वाले हैं। आपके पर्सन आपके पास बहुत बहुत जल्दी लौट कर आने वाले हैं। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, यहाँ पे लिखा है सेट योर सेल्फ फ्री। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आ गया, यानी आप दोनों पर्सन जो हैं, आप एक जो पर्सन होगा आप पर बहुत ही कहा सुनी करते होंगे, बहुत ही आप पर दबाव डाल देंगे, ये करो, वो नहीं करो, ये करो, ये सब बातें यहाँ इस कार्ड से निकल कर आ रही हैं, यानी आपको बंधन में रखते होंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कैसे हो, कैसे हो, मतलब दोनों तरफ की बातें होंगी दोस्तों। यहाँ पे इस कार्ड से ये दिया जा रहा है कि आप अपने आप को फ्री छोड़ें, यानी दोनों पर्सन की बात हो रही है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, कि अगर आप एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ते हैं, बंधन मत लगाइए, दबाव मत करिए, आप दोनों की भावनाओं को छोड़िए, आप अपना अच्छा करिए, पर्सन आप अपना अच्छा करिए, दोनों अगर फ्रीडम से जीते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को दबाते नहीं हैं, एक दूसरे पर रोक टोक नहीं लगाते हैं, तो आपके जो पर्सन है आपके पास ही यहाँ पर आएंगे। अगर आप ज़्यादा एक दूसरे पर दबाव डालेंगे, एक दूसरे को आप गलत कहा सुनी कहेंगे, या आप एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, या आप अपनी भावनाओं को दूसरे भावना पर थोपेंगे पर्सन पर, तब वो आपके लिए वो उचित नहीं है। यहाँ पर ये इस कार्ड से ये पता चल रहा है। और इंसान का ज़िंदगी जो है दब के रहने के लिए नहीं होता है, और कठिनाइयों को सहने के लिए नहीं होता है, कुछ समय के लिए इंसान सह लेगा, लेकिन अगर एक चीज़ आप बार बार अपने पार्टनर के साथ करते हैं, तो उसको भी आपको आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कार्ड से। और कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने आप को, दोनों अपने आप को स्वतंत्र छोड़ें, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करें, समझेंगे, तभी आपके पर्सन आपके पास लौट के आएंगे, नहीं तो आपके मन में जो गांठ पड़ेगी वो बहुत आप दोनों को दूर कर देगी। यहाँ पे ये